हेलो एंड वेलकम टू टेली टॉकीज। दोस्तों, बिग बॉस सीजन 16 के घर के अंदर वीकेंड के वार के दौरान आए बॉलीवुड के लेजेंडरी एक्टर अनुपम खेर, और अनुपम खेर ने आकर क्यों दिया प्रियंका को सलमान खान का संदेश, क्या बोला ऐसा, वेल बताएंगे हम आपको इस रिपोर्ट में टेली टॉकीज की। लेकिन अगर नहीं किया है अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं। बिग बॉस सीजन 16 के घर के अंदर वीकेंड के वार के दौरान आए अनुपम खेर, ये आखिरी वीकेंड का वार था और ऐसे में अनुपम खेर ने आकर घर वालों से जहां एक और टास्क करवाए, तो वहीं अनुपम खेर जो कि सलमान खान के बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो सलमान का संदेश प्रियंका के लिए लेकर आए। अनुपम खेर ने प्रियंका से कहा कि प्रियंका तुम्हारे काम की और तुम्हारी तारीफ सलमान ने भी मुझसे की है, तो आई एम श्योर तुम एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस होंगी। मैं शो को इतनी क्लोजली फॉलो नहीं करता हूँ, लेकिन सलमान ने मुझे एक मैसेज तुमको देने को कहा है और वो ये कि तुम बाहर आकर बॉलीवुड के बहुत बड़े एक्टर के साथ मूवी करने जा रही हो। जी हाँ, सीधा सीधा अनुपम खेर ने प्रियंका को इशारा दे दिया कि बाहर आने के बाद तुम बॉलीवुड के किंग खान के साथ काम करोगी फिल्म धुनकी में। हालांकि अनुपम खेर ने प्रियंका को नाम तो नहीं बताया, लेकिन अनुपम खेर ने ये भी बोला है प्रियंका को कि फिनाले के बाद आफ्टर पार्टी के दौरान तुम जाकर सलमान से जब मिलोगी तो तुम्हें पूरी डिटेल्स तो पता लग जाएंगी, लेकिन इट्स अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी फॉर यू क्योंकि तुम अब बॉलीवुड में कदम रखने जा रही हो। ये सुनने के बाद प्रियंका तो खुशी से झूम गई, लेकिन कहीं ना कहीं बाकी घर वालों के चेहरे तो देखने लायक थे क्योंकि उनको तो उम्मीद ही नहीं थी कि प्रियंका को इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। वेल दोस्तों, आप क्या कहेंगे हमें कमेंट्स में आप ज़रूर लिख कर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना आप ना भूलें।